मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे हिडन फीचर्स जो आपके iPhone एक्सपीरियंस को ऑलमोस्ट 2x बेटर कर देंगे। और ये फीचर्स ना सिर्फ यूजफुल और टाइम सेविंग है, ये आपकी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो चलिए वे स्टार्ट करते हैं हमारे पहले फीचर्स। इवन आपकी फोटोज ऐप भी अब काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बन गई है, क्योंकि उसमें अब आप कोई भी फोटो या वीडियो के अंदर किसी भी टेक्स्ट को आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं और उनको अपनी मैसेजेस या फिर नोट्स के अंदर डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। इवन आप अपनी फोटोज में किसी भी पैम्पलेट या बिजनेस कार्ड में से कोई भी फोन नंबर को डायरेक्टली आप टैप करके कॉल कर सकते हैं या फिर उस नंबर को आप यहाँ पे डायरेक्टली सेव भी कर सकते हैं। इवन किसी लिंक को भी आप यहाँ पे वन टैप में डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इवन UPI पेमेंट भी आप इंस्टेंटली किसी भी ऐप के साथ यहाँ पे कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि जब भी आपका फोन लॉक होता है तब भी लोग आपके काफी सारी सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं, इवन उस सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपके फोन को साइलेंट कर सकते हैं, आपके फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल सकते हैं, इवन आपके अलार्म्स को भी यहाँ पे वो एक्सेस कर सकते हैं। मगर आप इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ अपनी सेटिंग्स में जाना है, फेस आईडी और पासवर्ड को क्लिक करना है और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके लॉक स्क्रीन के सारे ऑप्शंस यहाँ देख सकते हैं और इनको आप अपने हिसाब से एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और अब आपके लॉक स्क्रीन के अंदर कोई भी कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। वैसे वो अलार्म वाला प्रैंक आप अपने फ्रेंड्स से ट्राई कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट फीचर मुझे काफी ज्यादा हैंडी लगा। जहाँ पहले लॉन्गर मैसेजेस करते टाइम आप वॉइस टाइपिंग और कीबोर्ड को साथ में यूज नहीं कर पाते थे और वॉइस टाइप क्लिक करते ही आपका कीबोर्ड कम्प्लीटली यहाँ पे हाइड हो जाता था, बट iOS 16 की अपडेट के बाद आप दोनों फंक्शन को साथ में काफी स्मूथली यूज कर सकते हैं। और इवन किसी वॉइस टाइपिंग की मिस्टेक को आप यहाँ पे स्पेस बार को लॉन्ग प्रेस करके अपने टेक्स्ट में कहीं भी जा सकते हैं और उस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। और वॉइस टाइपिंग के साथ आप अपने फेवरेट इमोजी को भी यहाँ पे क्विकली ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कूल इमोजी, हार्ट इमोजी, पूप इमोजी, प्यूक इमोजी। वैसे वॉइस टाइपिंग में आपको सारे इमोजी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो ये नेक्स्ट फीचर आपके फेस आईडी का काफी यूजफुल हैक है। तो जब भी हम ट्रैवल करते हैं या बाहर जाते हैं तो काफी बार हम अपने एक डिफरेंट लुक में होते हैं, तो बहुत बार हमारा फोन का फेस आईडी सही से काम नहीं करता है और तब हमको अपने फोन का पासवर्ड टाइप करना पड़ता है, जो काफी इरिटेटिंग होता है। तो अब आप उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आप अपने फेस आईडी की सेटिंग्स में जाके अपने अल्टरनेट अपीयरेंस को यहाँ पे क्विकली ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है यहाँ पे अपने सनग्लासेस के लुक के साथ, और फिर आपका फोन स्मूथली अनलॉक होगा आपकी दोनों लुक्स के साथ। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की। अगर आप भी मेरी तरह काफी बार सोते टाइम वेब सीरीज या म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो आपको ये स्लीप टाइम का फीचर काफी यूजफुल होगा। जस्ट आप अपनी क्लॉक ऐप को ओपन करिए, यहाँ पे आप टाइमर फंक्शन को क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपने टाइमर को अपने हिसाब से सेट करके व्हेन टाइमर एंड्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आप स्टॉप प्लेइंग के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप अपने टाइमर को यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। देन जस्ट कोई भी ऐप जिसमें आप कोई वीडियो या फिर मूवी देख रहे हैं, टाइमर अप होने के बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बंद हो जाएगी और आपको और आपके फोन को मिलेगी एक पीसफुल डीप स्लीप। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे यूजफुल विजेट्स जो आपने अभी तक यूज नहीं करे होंगे। जैसे मैं जब भी बाहर जाता हूँ मेरे एयरबड्स की बैटरी ऑलमोस्ट हमेशा आउट ऑफ चार्ज होती है, बट यहाँ पे मैं इस बैटरी विजेट के साथ मैं अपने सारे एक्सेसरीज की बैटरी अपनी होम स्क्रीन पे एक ग्लांस में देख पाता हूँ, जिससे मेरी एक्सेसरीज रह पाती हैं फुली चार्ज। और यहाँ पे इस रिमाइंडर विजेट को भी आप यूज कर सकते हैं और साथ में आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे हेल्थ एंड गूगल मैप्स की विजेट और उनसे भी आप काफी सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे क्विकली ट्रैक कर सकते हैं। तो इस नेक्स्ट फीचर के साथ आप अपनी हेल्थ ऐप के अंदर ही अपनी मेडिसिन को भी आप डेली ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी सारी मेडिसिन और उसकी टाइमिंग्स को यहाँ पे अपनी ऐप के अंदर सिंपली ऐड कर सकते हैं और उसके नोटिफिकेशन के टाइम आप यहाँ पे स्किप या टेकन को मार्क कर सकते हैं। वैसे ये फीचर हमारे पेरेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आप अपने आई मैसेजेस में चैट करते टाइम अपने मैसेज को सेंड करने के बाद भी यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके अपने मैसेज को वापस से एडिट कर सकते हैं और रीसेंड कर सकते हैं। और अगर बाय मिस्टेक आपने कोई रॉन्ग मैसेज किसी को भेज दिया है तो अब आप उस मैसेज को यहाँ पे क्लिक करके इवन उसको अनसेंड भी कर सकते हैं। वाओ यार, दिस फीचर एक्चुअली कैन सेव अ लॉट ऑफ लाइव्स। तो जब भी हम अपना फोन किड्स को देते हैं और उनको बोलते हैं हम कि ये वाली एप्स ना ओपन करें, तो यार वो हर बार उन्हीं एप्स को जरूर एक्सेस करते हैं, जैसे कि गेमिंग एप्स या फिर कोई दूसरी सेंसिटिव एप्स। तो इस नेक्स्ट फीचर के साथ आप अपने फोन को सिर्फ एक ऐप के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने होम बटन को जस्ट 3 बार क्लिक करके, और ये फीचर यहाँ पे इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं इस ऐप के बाहर नहीं जा पा रहा हूँ और फोन के अंदर भी कुछ भी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस फीचर को कहते हैं गाइडेड एक्सेस, जिसको आप एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाके यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक्टिवेशन के बाद यहाँ पे ऑप्शन में जाके आप इवन ऐप यूज करने का टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं। इवन आप टच कंट्रोल्स को भी यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं, जिससे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर वीडियो यहाँ पे प्ले होती रहे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो हमारे फोन में कितनी सारी एप्स होती हैं जो हम रेगुलरली यूज नहीं करते हैं, जैसे कि बैंकिंग एप्स या फिर ट्रैवलिंग एप्स। तो यहाँ पे आप उन सारी एप्स के पेजेस को यहाँ पे लॉन्ग प्रेस के बाद टैप करके हाइड या फिर अनहाइड कर सकते हैं और इससे आपका फोन डेली यूसेज में काफी ज्यादा क्लीन और क्लटर फ्री हो जाएगा। तो हमें से बहुत लोग ऑफिस में या कुछ मॉडर्न काम करते हैं टाइम
डू नॉट डिस्टर्ब मोड को काफी रेगुलरली यूज करते हैं, मगर अब ये फीचर को यूज करना काफी इंटरेस्टिंग बन गया है, जिसमें आप अपने डिफरेंट वॉलपेपर्स के साथ किसी भी फोकस मोड को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं और अपने लॉक स्क्रीन से ही आप सीधा वन टैप से अपने पर्सनल वर्क या स्लीप मोड के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं और उसके साथ आपका वॉलपेपर भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।